डायनासोर, ड्रैगन्स, मेगालोडोन शार्क, टिटानोबोस स्नेक्स, साइबर टूथेड कैट और क्रोकोडाइल जैसे प्राचीन जानवर आज भले ही धरती से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इतिहास में धरती पर इन जीवों का कब्जा था। मॉडर्न वर्ल्ड में हमें यही जानवर छोटे आकार में देखने को मिलते हैं। कोमोडो ड्रैगन इसका जीता जागता उदाहरण है, जो प्राचीन समय में आकार में काफी बड़ा हुआ करते थे। आज भले ही ये धरती की सबसे बड़ी लिजार्ड स्पीशीज है, लेकिन पहले के मुकाबले इसका आकार काफी छोटा है। आपके घरों में पाए जाने वाली छिपकली भले ही घातक ना हो, लेकिन इंडोनेशिया के कोमोडो ड्रैगन वक्त आने पर इंसानों पर भी हमला कर सकती हैं। लिजार्ड फैमिली वारानिडी से संबंध रखने वाले इस जीव को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसका शरीर, हंटिंग स्किल्स, शार्क जैसे दांत और पॉइजनस वेनम किसी भी इंसान को काटने के कुछ घंटे के भीतर ही मार सकता है। केवल कुछ आइलैंड तक सीमित ये जीव शिकार पर निकलते हैं, तो इनकी रणनीति देखने लायक होती है। आज के वीडियो में हम इस जानवर के घातक हमलों से रूबरू होंगे और जानेंगे कि आखिर कोमोडो ड्रैगन क्या कुछ करने का दम रखते हैं। लंबा शरीर, एक बड़ी जहरीली जीभ और तलवार जैसी शार्प पूंछ, ये हुलिया है इंडोनेशियाई आइलैंड के कोमोडो, रिंका, फ्लोरेंस, गिली मोटांग और गिली दामसी जैसे आइलैंड पर पाए जाने वाले कोमोडो ड्रैगन का। हालांकि ये ड्रैगन इंडोनेशिया के निवासी हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन जीवों का ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है। कोमोडो ड्रैगन की बेहुदा शक्ल और बदबूदार शरीर पर मत जाइएगा, क्योंकि इस जीव के खौफनाक शरीर के पीछे उससे भी घातक जानवर छिपा है। कोमोडो ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है। इसकी लंबाई 3 मीटर और वजन 180 किलो तक होता है। बात करें इसके हुलिये की, तो एक लंबी जीव के साथ कोमोडो ड्रैगन के पास नाखून, पैने दांत और मजबूत जबड़े होते हैं। अपनी लंबी पूंछ से ये जिस जानवर पर हमला करते हैं, वो चंद ही सेकंड्स में बुरी तरह घायल हो जाते हैं। कोमोडो ड्रैगन की खासियत है कि ये ड्रैगन मरे हुए जानवरों को भी खाता है, खुद भी शिकार करता है और समय आने पर इंसानों को भी अपना शिकार बनाता है। कोमोडो ड्रैगन छिपकली कीड़े मकौड़े, पक्षी, सांप से लेकर हिरण, बकरी, जंगली सुअर जैसे जीवों का शिकार करते हैं। वो 500 किलो वजनी भैंस तक को मार सकते हैं। ताकतवर और खूंखार होने के साथ साथ काफी दिमागदार भी होते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही बड़े से बड़े जानवर को अपने जाल में फांस लेते हैं। ये जीव इंसान से ज्यादा भारी भरकम तो होते ही हैं, साथ ही साथ इंसानों को भी अपना शिकार बनाने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां कोमोडो ड्रैगन ने इंसानों पर भी हमला किया हो। इससे पता चलता है कि इनका व्यवहार कभी भी आक्रामक हो सकता है और इनकी फाइटिंग स्किल्स लाजवाब होती है। चलिए आपको इनकी हंटिंग स्किल्स का जीता जागता उदाहरण दिखाते हैं और कुछ बैटल ऑफ से रूबरू कराते हैं। कोमोडो ड्रैगन अटैक्स अ बफेलो। कोमोडो ड्रैगन की ताकत और शक्ति का नमूना हमें इस रियर फुटेज में देखने को मिलता है, जहां ये अपने से भारी भरकम भैंसे को शिकार के रूप में चुनता है। इंडोनेशिया के कोमोडो द्वीप में फिल्माई गई इस फिल्म में कोमोडो ड्रैगन नदी के पास अपने शिकार की तलाश में है। चिलचिलाती धूप और ड्राई सीजन कोमोडो के प्रजनन के लिए सबसे बेहतर समय होता है। गर्मी के सीजन में ये ड्रैगन जानता है कि जंगल की बाकी प्रजातियां पानी की तलाश में नदी, झील या पानी के स्रोत पर जरूर आएंगी। ऐसे में उन्हें अपना भोजन बनाने का अच्छा अवसर मिलेगा। इस क्लिप में कोमोडो की नजर पत्थरों के पीछे छांव का आनंद लेते भैंस पर पड़ती है। जैसे ही ड्रैगन भैंसे पर हमला करने के लिए जांच करता है, तभी उसे ड्रैगन की उस गुस्ताखी का अंदेशा लग जाता है। अब जाहिर है कि इन दोनों जानवरों के बीच सर्वाइवल को लेकर भिड़ंत होने वाली है। पहला हमला कोमोडो ड्रैगन की तरफ से होता है, जो सीधे भैंस के सर पर काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पहला हमला बेकार चला जाता है। ड्रैगन शिकार करते हुए भी इस बात का ख्याल रख रहा है कि शिकार के ज्यादा करीब न जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में बाजी कभी भी पलट सकती है। ये जीव अगला हमला भैंस की टांगों पर करने की कोशिश करता है और इस बार उसे सफलता मिल जाती है। कोमोडो ड्रैगन भैंस की टांग पर बाइट करने में सफल हो जाता है। अब इस जानवर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। दरअसल कोमोडो ड्रैगन की एक बाइट में काफी जहर होता है, जो धीरे धीरे दूसरे जीवों की जान ले लेता है। तब तक ये शिकारी ड्रैगन अपने शिकार के मरने का इंतजार करते हैं, जैसा कि ये इस क्लिप में भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी ड्रैगन इसलिए झुंड में इकट्ठा हैं ताकि भैंस के मरते ही उसे अपना भोजन बना ले। इस जीव के टांग का घाव ठीक नहीं होता और धीरे धीरे ये कमजोर हो जाता है। इस बीच कोमोडो ड्रैगन अपने पेशेंस के साथ अपने शिकार के तैयार होने का इंतजार करता है। भैंस के मरने के बाद देखिए कैसे इन जीवों का झुंड उस पर टूट पड़ा है। आप ये कह सकते हैं कि कोमोडो ड्रैगन साइलेंट किलर हैं, जो एक छोटी सी बाइट से भी अपने शिकारियों को धाराशायी कर सकते हैं।
कोमोडो ड्रैगन ईटिंग लाइव मंकीज। कहते हैं कि बंदर जैसे जानवरों को पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि इनके पेड़ पे चढ़ने के टैलेंट के सामने बाकी जानवर घुटने टेक देते हैं। पर अब जो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक अलग ही कहानी दर्शाती है। इसमें एक भारी भरकम कोमोडो ड्रैगन ने बंदर को अपनी पकड़ में ले लिया है और उसे जिंदा ही निगलने की कोशिश में लगा है। कोमोडो ड्रैगन बंदर को उसकी गर्दन से पकड़ता है, जहां ये जीव खुद को छुड़ाने की हर नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन कोमोडो के शार्प दांत से खुद को छुड़ाना आसान नहीं है, लेकिन अगर अब छूट भी गया तो उसके जहर से ये नहीं बच पाएगा। आखिर में बंदर ये जंग हार जाता है और कोमोडो ड्रैगन बंदर को अपना भोजन बना लेता है। कोमोडो ड्रैगन चेजिंग अ डियर। ये क्लिप अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि कोमोडो ड्रैगन क्या कुछ कर सकते हैं। इस क्लिप में कोमोडो ड्रैगन धीरे धीरे अपने पसंदीदा शिकार की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही हिरन को अंदाजा होता है कि कोमोडो ड्रैगन उसके पीछे है, तो वो पूरी फुर्ती के साथ वहां से भाग निकलता है। हालांकि कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार का पीछा करता है, लेकिन हिरन की रफ्तार को मैच कर पाना कोमोडो ड्रैगन के लिए काफी मुश्किल है। खैर, इस जंग में ड्रैगन को शिकस्त जरूर मिली हो, लेकिन चलिए आपको ऐसी ही एक और वीडियो दिखाते हैं जहां कोमोडो ड्रैगन पूरी चाव के साथ जिंदा हिरन को खा रहे हैं। हैरानी की बात है कि तेज रफ्तार से भागने वाला हिरन भी खुद को बचाने में असमर्थ है, क्योंकि ड्रैगन ने हिरन की टांग पर वार किया है। कई बार उठने की कोशिश करने के बाद भी वो खुद को नहीं बचा सकता। हालांकि हिरन डर से कराह रहा है, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं है। डॉग्स वर्सेस कोमोडो ड्रैगन फाइट। जरूरी नहीं कि बैटल ऑफ का अंत कोमोडो ड्रैगन के फेवर में ही हो, कभी कभी ये जीव छोटे छोटे जानवरों से भी मात खा जाते हैं। इस क्लिप में कुत्ते अपने आकार के दुगने ड्रैगन को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुत्ते झुंड में हैं और चारों तरफ से उस पर वार करने में लगे हैं, लेकिन कोमोडो ड्रैगन भी इस लड़ाई में खुद को बचाते हुए आक्रामक होता दिखाई दे रहा है। इस कुत्ते ने जहां ड्रैगन को पूंछ से पकड़ा है, वहीं इसके बाकी साथी डरते डराते ड्रैगन पर हमला करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन कोमोडो ड्रैगन के शार्प दांतों को देखकर उसे बाइट करना आसान नहीं है। ऐसे में कुत्तों का झुंड एक नई चाल अपनाकर कोमोडो ड्रैगन के शरीर को बाइट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जीव इन शिकारी कुत्तों की पकड़ से निकलने के लिए बहुत बेसब्र हो रहा है, लेकिन कुत्ते इस जीव पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं। कुत्तों का झुंड जानता है कि कोमोडो ड्रैगन पर पीछे से वार करने पर वो खुद को नहीं बचा सकता। बस इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए ये जीव उसे घायल कर देते हैं। काफी लंबी चली इस लड़ाई के आखिर में ड्रैगन बचने के लिए पानी की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कुत्ते उसे पूंछ से पीछे की ओर खींचते हैं और बार बार काट काट कर उसका बुरा हाल कर देते हैं। आखिर में कुत्तों के झुंड से लड़ते हुए ड्रैगन की जान चली जाती है। इससे पता चलता है कि शक्तिशाली जीव भी दूसरे जानवरों की भारी तादाद के सामने घुटने टेक देते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई का अंत टॉप प्रीडेटर्स की जीत से ही खत्म हो। दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन को आपने जंगल में शिकार करते हुए और दूसरे जानवरों पर अपना दबदबा बनाते हुए तो आपने देख लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब दो ड्रैगन आपस में लड़ते हैं तो मंजर कैसा होता होगा? कोमोडो ड्रैगन वर्सेस कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया के ड्रैगन लैंड में दो कोमोडो ड्रैगन अक्सर एक दूसरे पर बरस पड़ते हैं। ज्यादातर ये लड़ाइयां शिकार और भोजन को लेकर होती हैं। अब जरा इस क्लिप को ही देख लीजिए, जहां तीन कोमोडो ड्रैगन भोजन को लेकर आमने सामने हैं। ये तीनों एक दूसरे के मुंह से शिकार छीनने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोमोडो ड्रैगन में अक्सर उसकी जीत होती है जो ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। आप देख सकते हैं कि इनमें से एक ड्रैगन सभी पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश करता है। एक सदस्य को तो वो पहले ही जंग से बाहर कर चुका है। अब लड़ाई दोनों प्रतिद्वंदी के बीच की है, जिसमें जीत उसी की होगी जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। दोनों के बीच मचा हुआ घमासान और भी रोमांचक हो जाता है जैसे जैसे दोनों एक दूसरे को घायल करने के लिए सभी फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। पूंछ से लेकर नुकीले पंजे तक हर हथियार से एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। देखने में ये किसी बॉक्सिंग मैच से कम नहीं लगता, जहां हर एक ओपोनेंट एक दूसरे को बेंड करने में लगे हैं। और हर लड़ाई की तरह इसमें भी एक कोमोडो ड्रैगन की जीत होती है और दूसरे को घुटने टेकने पड़ते हैं। इन क्लिप से तो यही जाहिर होता है कि कोमोडो ड्रैगन सबसे बड़ी छिपकली होने के साथ साथ सबसे खूंखार जीव है, जो अपने शिकार से लेकर अपने साथी तक कोई भी रहमदिली नहीं दिखाते। इन्हें देखकर सच में लगता है कि ये प्राचीन समय के क्रूर शिकारी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जीव कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।